अब एक मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक है? देखिए जरा ध्यान से, रेन से रिलेटेड पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली नीट और जेई एग्जाम के लिए। देखो भाई, ये है हमारे पास में एक प्रोजेक्टाइल जिसे हमने यू वेलोसिटी से थ्रू किया है। इसका जो एंगल हम लोगों को दिया है, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल दिया है थीटा 1, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी यू है, और इसकी जो रेंज है हमारे पास में वो है R1। समझ रहे हैं? एक दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोगों को दे रखा है वो ये है, यहां पर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे, वेलोसिटी यू। इतना ध्यान रखिएगा, यहां भी वेलोसिटी यू है और यहां भी वेलोसिटी यू है। इसका एंगल हम लोगों को दिया है थीटा 2 और रेंज दी है R2, ठीक है? अब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी दोनों में यह है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। एक का एंगल कितना है? थीटा 1। दूसरे का एंगल कितना है? थीटा 2। तो शॉर्ट पॉइंट यह है बच्चों, आपको दोनों के एंगल को जोड़कर देखना है, सम करके देखना है। अगर दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री आ जाता है बच्चों, तो आप क्या तो ये कहेंगे कि दोनों की रेंज आपस में बराबर है, या आप ये कहेंगे कि दोनों की रेंज का जो रेशो है वो 1:1 है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दोनों के एंगल अलग-अलग हैं। अगर दोनों के एंगल को जोड़कर, दोनों के एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आ जाता है, तो आपको क्या कहना है कि दोनों की रेंज आपस में बराबर है, या उनकी रेंज का जो रेशो है ना हमारे पास में वो 1:1 है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कैसे जाएगा, मैं आपको ये बताता हूं भाई। एक एंगल हम लोगों को दिया, ध्यान से जरा, एक एंगल हम लोगों को दिया है थीटा, दूसरा एंगल हम लोगों को दिया है 90 माइनस के थीटा। अब देखो जरा, एक प्रोजेक्टाइल को इतने एंगल से फेंका, एक को इतने एंगल से फेंका। जब हम दोनों के एंगल को ऐड करके देखेंगे तो क्या बनेगा? θ + 90 - θ कैंसिल आउट, आंसर इज 90 डिग्री। इसकी जो रेंज है हमारे पास में वो रेंज है R1, और इसकी जो रेंज है हमारे पास में वो रेंज है R2। अब बताओ दोनों के एंगल का सम 90 है या नहीं है? तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि दोनों की रेंज आपस में बराबर है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है इतने एंगल से, और दूसरे प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है इतने एंगल से। एक प्रोजेक्टाइल को हम लोगों ने फेंका है 45 - θ से, और दूसरे को हमने फेंका है 45 + θ से। मैंने माना कि इसकी जो रेंज है वो है R1, और इसकी जो रेंज है वो है R2। दोनों के एंगल को ऐड करो जरा, 45 - θ + 45 + θ, -θ से +θ कैंसिल आउट, 45 और 45 90, यानी दोनों की रेंज आपस में बराबर है बच्चों, ठीक है? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, रेंज बराबर कह लो या रेंज का रेशो कह लो 1:1। कई बार प्रॉब्लम कुछ ऐसे भी बनती है बच्चों कि भाई एक का एंगल हम लोगों को दे दिया है, ध्यान से, एक का एंगल हम लोगों को दिया है 49 डिग्री, और एक का एंगल हमें दिया है 41 डिग्री। अब तुम्हें क्या मुझे भी 49 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है, ना 41 डिग्री की वैल्यू याद है? ऐसी कंडीशन में शॉर्ट तरीका लगाना है, दोनों का सम करिए, 49 + 41, माना इसकी रेंज है R1 और इसकी रेंज है R2। जैसे ही आपने दोनों को जोड़कर देखा 49 + 41 इज इक्वल टू 90, तो दोनों की रेंज हमारे पास में हो गई बच्चों बराबर, R1 इज इक्वल टू R2। ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।